राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है एबीपी न्यूज़ के साथ हैं जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सर आपका स्वागत है सर अब लोकसभा तैयारियां जो चुनाव की तैयारियां चल रही है किस तरह से तैयारी की जा रही है लोकसभा चुनाव 2024 कमीशन के द्वारा ऑलरेडी आपको पता है कि नोटिफाई हो चुके हैं अब इनकी पूरी किस तरह से इनको पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आग इसके अंदर पार्टिसिपेट लें उसकी पूरी तैयारियां ये जिला स्तर पे हमारी चल रही है कुल मिला के अपने इस वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी 10 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी डीओ क्षेत्र के अंदर पड़ती है और इसके अंदर 27.6 लाख मतदाता अपने इसके अंदर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और जिसके अंदर अपनी महिला टू तो पुरुष रेशियो जो है वो इस समय नौ है विधानसभा चुनाव में नौ थी जो कि अभी हाल ही में इम्प्रूव होकर नौ तक आई है और अपने लगभग बाईस दिव्यांग मतदाता हैं तथा कमीशन की तरफ से जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको तथा जो हमारे ओल्ड एज मतदाता हैं जो कि अपने पोलिंग बूथ तक आने में समर्थ नहीं हैं इन लोगों को सबको जो है मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कर सके इसके लिए पहली बार लोकसभा चुनाव के अंदर होम वोटिंग के कंसेप्ट का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें अपने जो डी क्षेत्र है इसके अंदर अड़तीस के लगभग मतदाता इसका अपने मताधिकार का प्रयोग होम वोटिंग से करेंगे कुल मिला अपने अराउंड पच्चीस सौ छियासठ पोलिंग स्टेशन हैं और इसमें क्या होता है कि जैसे आपके 1450 के ऊपर यदि जाते हैं मतदाता किसी पोलिंग स्टेशन में तो कमीशन की तरफ से सहायक पोलिंग स्टेशन नोटिफाई होते हैं अपने अभी तक 89 सहायक पोलिंग स्टेशन नोटिफाई हुए हैं और अभी क्या है कि ये नाम जोड़ने की कार्रवाई चल रही है जो कि पच्चीस मार्च तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की अपने यहाँ पर तो उसके बाद भी जो चौदह के ऊपर जाएंगे उनको भी सहायक बूथ के रूप में नोटिफाई कराया जाएगा आपके माध्यम से Uh, मैं सभी मतदाताओं को एक तो ये कहना चाहता हूँ कि आप कमीशन uh, का एम्फेसिस काफ़ी है कि आप लोग सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो उसके लिए एक तो जो वोटर हेल्पलाइन ऐप होती है उसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें इस ऐप के जरिए क्या है कि आप आपका एपिक नंबर हो गया जो वोटर आईडी नंबर है या अन्य जो आपकी डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं कि मतदाता सूची में अपने नाम और आपकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और यदि आपको उसमें आपका नाम नहीं मिलता है तो फिर आप उस ऐप के जरिए ही नाम जोड़ने की कार्रवाई करा सकते हैं इसके हमें काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिले तथा साथ ही एक कमीशन की दूसरी ऐप है सी विजिल ऐप इसके माध्यम से कहीं पे भी आपको लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है कुछ हो रहा है तो आप वहीं तुरंत मौके पे आपके मोबाइल निकाल के ऐप की ऐप से फोटो खींच के या वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके चाहे तो एनोनिमसली भी यहाँ भेज सकते हैं तो वो हमारा ट्वेंटी फोर बाई जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम यहाँ पर बना हुआ है उसके अंदर आपकी शिकायत आ जाएगी और विद इन हंड्रेड मिनट्स हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो जाके उसका निस्तारण करेंगी तो मेरे आप सबसे यही आपके माध्यम से मेरी सारे मतदाताओं से यही अपील रहेगी कि छब्बीस अप्रैल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर बिना किसी प्रलोभन के जो भी आपको आपके विवेक अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करें सर मताधिकार का प्रयोग करें इसके साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कौन सी कोई योजना चलाई जा रही है जैसे आपने बताया था वाटिका योजना की मताधिकार मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जुड़ें उसके लिए हमारी एक ये स्वीप एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चलती हैं इसको चलते इस बार ज़िले के अंदर मतदान वाटिका का एक ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसके अंदर अपने जो ऐसे बूथ जिनके अंदर नॉर्मली अपनी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहती है तो हम चाहते हैं कि जो मतदान है उसको किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ एसोसिएट किया जाए तो हम मतदान वाटिका ऐसे बूथों के अंदर बनाएंगे और जहाँ पर प्रत्येक बूथ के अंदर पचास पचास पौधे लगाए जाएंगे जो अपने राजकीय स्कूल होते हैं जहाँ बाउंड्री वॉल वगैरह है और मतदान के बाद में उन पौधों को वहाँ स्कूल के बच्चों को गोद दिया जाएगा ताकि वो पौधे सर्वाइव करें और आगे पाँच साल बाद जब अगला जब लोकसभा चुनाव हो तो उस समय आप देख सकें कि लोकसभा चुनाव दो की ये मतदान वैठ करेंगे ठीक है ए न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद जोधपुर से करणपुरी